हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक समीर। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज अपने सामने है मारुति सुजुकी की ब्रेजा, जो अभी हाल ही में फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था उसका भाई। और दूसरी बात है भाई, ऑटोमेटिक जो वेरिएंट आता है उसके साथ अपने साथ खड़ी है आज ये। और भाई काफी शानदार सा कलर, ब्लू कलर अपने को देखने में यहाँ पे लग रहा है। एंड ओवरऑल ZXi जो अपना वेरियंट है वो अपने सामने आज खड़ा है भाई, ऑटोमेटिक के साथ है। गाड़ी काफी शानदार सी लुक्स दे रही है। मार्केट के अंदर अगर कहूँ तो भाई लोग बाग कह रहे हैं कि भाई रेंज रोवर वाला फील इस गाड़ी को लेकर लग रहा है। बैक से भाई, बैक से तो भाई आप भी जान सकते हैं फुल्ली रेंज रोवर वाला लुक ये गाड़ी देती है। एंड अब बात करते हैं आज इस गाड़ी के डिटेल ओवरऑल रिव्यू की। और भाई काफी अच्छे अच्छे फीचर्स वगैरह, काफी अच्छे अच्छे जो है इंटीरियर्स वगैरह इस गाड़ी के अंदर अब आपको मिलते हैं। लुक्स वगैरह की बात करो तो वो भी काफी शानदार से यहाँ पे दिए गए। एंड ओवरऑल अगर विड्थ की बात करूँ उस गाड़ी की, चौड़ाई की 1790 mm, एंड ओवरऑल काफी शानदार से लुक्स वगैरह यहाँ पे देखने में लग रहे हैं। फ्रंट फेस की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको बीच में जो अपनी ग्रिल दे रही है, यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको ग्रे टोन की फिनिश मिल जाएगी। एंड ओवरऑल यहाँ पे क्रोम के एलिमेंट्स वगैरह आपको देखने में मिल जाएंगे। नीचे आपको जो स्किट प्लेट आती है उसके ऊपर आपको जो अपना सिल्वर कलर की स्किट प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी। एंड भाई फोग लैंप्स वगैरह आपको आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको फोग लैंप की जो प्लेसमेंट है वो दी गई, लेकिन फोग लैंप्स नहीं दिए गए। हेडलाइट यूनिट की बात करता हूँ तो काफी शानदार से यहाँ पे आपको हेडलाइट यूनिट देखने में लगती है। एंड ओवरऑल LED सेटअप के साथ ये गाड़ी आती है। DRLs कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको ऑन होते हैं एंड इंडिकेटर आपको ऊपर की तरफ देखने में मिलता है। एंड भाई काफी शानदार से यहाँ पे आपको फ्रंट का फेस जो है देखने में लग रहा है। एंड भाई अगर बोनट की बात करता हूँ तो थोड़ा सा कर्वी बोनट यहाँ पे आपको ओवरऑल दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया देखने में लगता है। एंड ओवरऑल ब्लू कलर के साथ काफी ज्यादा शानदार ये गाड़ी देखने में लग रही है, जो इसके अदर कंपटीटर आते हैं उसकी तुलना में काफी बढ़िया से अब इस गाड़ी के लुक्स वगैरह कंपनी ने इनहेंस करे हैं। तो भाई यहाँ पर आपको 3995 mm ओवरऑल लेंथ वगैरह देखने में मिलती है, जो कि काफी शानदार देखने में लगती है। अलॉय व्हील्स आप देख सकते हैं ऑल ब्लैक कलर के अंदर यहाँ पे आपको जो है अपने एलॉय व्हील्स वगैरह दिए गए। MRF के आपको टायर्स मिलते हैं। एंड अगर बात करता हूँ साइज की तो भाई यहाँ पर आपको मिलता है 16 इंचेस के। टायर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 215 का यहाँ पे आपको टायर सेक्शन दिया गया है। एंड काफी शानदार यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स दिए गए। एंड अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क की प्लेट वगैरह मिल जाएगी, काफी बढ़िया यहाँ पे आपको सस्पेंशन ट्रेवल वगैरह मिलता है। अंदर की तरफ आपको जो अपने शॉकर्स वगैरह वो भी दिए गए। एंड क्लाइडिंग की तो भाई बात ही कुछ और है, जो अपनी क्लाइडिंग आपको देखने में मिल रही है पूरी, वो भी काफी शानदार यहाँ पे आपको देखने में लगती है। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको ORVMs वगैरह देखने में मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको इस तरफ दी गई है पूरी। डोर हैंडल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको जो अपने रिक्वेस्ट सेंसर्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड बॉडी कलर के अंदर यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स दिए गए, ऊपर आपको रूफ रेल्स वगैरह मिल जाएगी। एंड भाई जो अपना बीच में जो एरिया है, अपना जो विंडो एरिया है, वो आपको पूरा ब्लैकआउट देखने में मिलता है। सारे पिलर्स वगैरह जो आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने में मिलते हैं। एंड भाई जो अपना क्वार्टर ग्लास है भी काफी शानदार, जो पुरानी वाली आती थी ब्रेजा वो खड़ी पीछे की तरफ, भाई आज भी इस गाड़ी का इतना क्रेज है कि भाई शोरूमों पे देखने में मिल रही है। तो भाई ये क्वार्टर ग्लास जो आता था पुरानी वाली की तुलना में थोड़ा बड़ा किया गया है, तो काफी शानदार यहाँ पे लगता है। फ्यूल टैंक वगैरह की आपको प्लेसमेंट इस साइड आपको मिल जाएगी, फ्यूल फिलर कैप वगैरह। एंड भाई पीछे से ओवरऑल अगर बात करता हूँ तो भाई पीछे से कुछ इस टाइप से आपको लुक वगैरह दिए गए, जो कि काफी शानदार से देखने में लगते हैं। एंड भाई अगर बात करूँ पीछे रियर की तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको जो वॉशर वगैरह वो भी मिलता है। यहाँ पे जो हाई माउंट स्टॉप लैंप आता है उसके पास में आपको वॉशर मिल जाएगा। एंड बात करता हूँ पीछे की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा आपको ब्रेजा का लोगो मिल जाएगा, जो हमने रेंज रोवर आप इसे एक तरीके से कह सकते हो भाई। लोग बाबो ने यहाँ पे अपना जो ब्रेजा है ये हटवाकर और इस वाली पट्टी पे जो अपना रेंज रोवर भी कईयों ने लिखवा रखा है, मैंने देखा था। एंड गाड़ी की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, काफी जो फेसलिफ्ट वेरियंट है इस गाड़ी की काफी बढ़िया जो है डिमांड देखने में मिल रही है। रियर के जो अपने लैंप्स है वो आपको पूरे LED के अंदर देखने में मिलते हैं, काफी शानदार से आपको जो है देखने में लगते हैं। चार पार्किंग सेंसर्स जो अपने रिवर्स पार्किंग सेंसर से वो आपको मिलते हैं। नीचे भी आपको सिल्वर कलर की जो अपनी स्किड प्लेट दी गई है, रिफ्लेक्टर्स वगैरह दो दो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड भाई स्मार्ट हाइब्रिड जो इस गाड़ी का इंजन आता है उसके यहाँ पे आपको बेजिंग वगैरह मिल जाएगी। रियर ग्लास की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको वॉशर, डिफॉगर, वाइपर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिए गए, सुजुकी का लोगो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना की प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दी गई है। एंड भाई आप एक बार इस गाड़ी का आपको बूट स्पेस भी चेक करा देता हूँ, काफी शानदार यहाँ पे आपको बूट स्पेस वगैरह दिया गया है। अंदर से खोलते हैं एक बार। एंड गाइस अगर बात करूँ इस गाड़ी की तो कुछ इस टाइप से अपनों की लॉक एंड अनलॉक का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, तो लॉक अनलॉक करते हैं एक बार।
तो यहाँ पर इसका बूट स्पेस कुछ इस टाइप से आपको ओवरऑल दिया गया है, जो काफी शानदार सा, काफी ज्यादा मैसिव सा देखने में लगता है। नंबर आपको शो हो रहे होंगे कितने लीटर का यहाँ पे आपको मिलता है, एंड काफी बढ़िया फिनिशिंग वगैरह यहाँ पे मारुति आपको देता है। नीचे आपको जो अपना डमी टायर, स्पेयर व्हील्स वगैरह वो भी देखने में मिलते हैं, टूल वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने में मिल जाएंगे। काफी बढ़िया यहाँ पे आप सजा कर बिल्कुल ए टू जेड यहाँ पे कंपनी ने सारा काम करा हुआ है। नीचे आपको लाइटिंग वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, क्लिपिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको दी गई है, एंड ओवरऑल पार्सल ट्रे का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। ऊपर डोर काफी शानदार सा देखने में यहाँ पे मिलता है, वह काफी भारी है अभी डोर जो है अपने को देखने में मिलता है। सेफ्टी रेटिंग अभी आई नहीं है, लेकिन गाड़ी जो है देखने में, एंड भाई बात करें अगर रिव्यू की तो डिटेल रिव्यू की, तो भाई बिल्ड वगैरह काफी शानदार यहाँ पे आपको गाड़ी की दी गई है। डोर है जो अपना ड्राइवर साइड डोर की अगर बात करता हूँ, तो कुछ इस टाइप से अपने को ड्राइवर साइड डोर मिलता है, ब्राउन प्लस जो अपना ब्लैक की फिनिशिंग वगैरह यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर फिनिश का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको बीच में दिया गया है। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे अपने लॉक अनलॉक के, अपने जो विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाएंगे चारों ड्राइवर साइड, आपको ऑटो मिलती है, ORVMs के आपको कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, और कुछ इस टाइप से अपना जो है डोर हैंडल वगैरह दिया गया है क्रोम की फिनिश के अंदर ही आपको मिलता है। सिटिंग एरिया की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो है अपने फैब्रिक के अंदर सीट्स वगैरह मिलती है, कुछ इस टाइप से काफी शानदार हेडरेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है इनबिल्ट, एंड काफी बढ़िया सी आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे आपको हेडरेस्ट वगैरह मिलता है, एंड काफी बढ़िया सा जो है इंटीरियर देखने में लगता है। तो चलते एक बार ऑटोमेटिक वेरिएंट अपने सामने खड़ा है, तो इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ अलग, क्या कुछ खास मिलता है। एंड फाइनली इस गाड़ी के अंदर की तरफ आ चुके हैं, तो काफी शानदार सा आपको इंटीरियर देखने में मिलेगा, जो कि एक अलग ही लुक आपको देगा। इस सेगमेंट की गाड़ियों में ऐसा लुक्स वगैरह नहीं मिलते, लेकिन इस गाड़ी के अंदर काफी शानदार सा आपको लुक्स वगैरह, काफी मतलब भरा भरा सा यहाँ पे आपको इंटीरियर दिया गया, जो कि काफी बढ़िया देखने में लग रहा है। स्टीयरिंग व्हील भी काफी शानदार मारुति का मेरे को देखने में लगता है, ओवरऑल आप भी देख सकते हैं यहाँ पे आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी, एंड यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल्स के ऑप्शन वगैरह दिख जाएंगे। इस तरह आपको जो अपना इन्फोटेनमेंट सिस्टम है इसके रिलेटेड कंट्रोल्स वगैरह मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आपको वॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा, हेलो हेलो इट्स नाइस टू हियर फ्रॉम यू, What can I do for you? Hello, Breza. Can you please help me? Sorry. I didn't get that. तो भाई ऐसे आप यहाँ पे अपना जो है वॉइस असिस्टेंट भी जो है ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप ये देख सकते हैं आप, तो इस तरफ से आप अपने टेलीफोनिक कंट्रोल्स वगैरह एंड जो अपना वॉइस का ऑप्शन है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एयरबैग्स वगैरह भी मिल जाएंगे, एंड काफी शानदार सा प्लास्टिक के अंदर ही आपको स्टीयरिंग व्हील दे रखा है, जो कि काफी बढ़िया देखने में लगता है। मीटर कंसोल की बात करता हूँ, तो भाई वो तो अपना जो है नेक्स्ट लेवल आपको देखने में मिलता है, काफी शानदार सा यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने एनालॉग मीटर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 8000 आरपीएम मिल जाएगी, 220 की टॉप स्पीड मिल जाएगी, यहाँ आप देख सकते हो वार्निंग्स वगैरह काफी बढ़िया मिल जाएगी, गियर को जो अपने ऑप्शंस वगैरह मोड्स वगैरह वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, क्लॉक का ऑप्शन आपको बीच में दे रखा है, यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ट्रिप ए ट्रिप बी के ऑप्शन वगैरह मिल जाएंगे, एंड इस तरफ से आप यहाँ से देख सकते हैं अपनी MID मोशन, जो अपने टायर्स के मोशन वगैरह, टॉर्क पावर वगैरह, एंड एक्सलेशन ब्रेक वगैरह किस हिसाब से आप देख रहे हैं। इंजन प्लस मोटर, भाई हाइब्रिड है स्मार्ट हाइब्रिड, तो उसके हिसाब से पीछे आपको आगे इंजन मिलता है, पीछे की तरफ आपको बैटरी मिलती है, बीच में आपको मोटर दी गई है, भाई क्या क्या आने लग गया आजकल, तो उस हिसाब से कुछ अपना जो पूरा मीटर कंसोल वगैरह दिया गया। यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह का एंड रेंज वगैरह का भी देखने में मिलता है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेम्परेचर वगैरह दिया गया है, एंड भाई 33 डिग्री सेल्सियस इस समय गाड़ी का टेम्परेचर हो रहा है, एंड भाई मैं भी पूरा पसीने में आ रहा हूँ। तो भाई अगर वीडियो यहाँ तक आपने देखी है, उस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना एंड बेल आइकन को दबाए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। आप देख सकते हैं आपको जो ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का बटन वगैरह, लाइटिंग के कंट्रोल्स वगैरह, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन वगैरह कुछ इस टाइप से दिया गया है, एंड ओवरऑल जो अपना ब्राउन फिनिश है, कत्थई कलर जो अपन कहते हैं नॉर्मल भाषा में, तो उसकी आपको यहाँ पे जो है काफी सही सी मतलब फिनिशिंग वगैरह दी गई है। प्लास्टिक के अंदर मिलता है भाई, हार्ड प्लास्टिक के अंदर ये दिया गया है, सॉफ्ट में नहीं है। ये जो अपना डोर ट्रिम है यहाँ पर आपको सॉफ्ट मिलता है। तो जो अपनी एसी वेंट्स है वो अपने को चार मिलती है फ्रंट डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पर आपको जो है अपना हजार लैंप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बात करो अगर जो अपने इन्फोटेनमेंट क्लस्टर है उसकी, तो भाई यहाँ पर भी आपको काफी सारे ऑप्शंस वगैरह मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं काफी सारे जो डिटेल्स वगैरह ये आपको MID पर ही शो कर देगा। जो MID की अपनी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर भी शो कर देगा। यहाँ पे आप एवरेज स्पीड, फ्यूल इकोनॉमी, एनर्जी पावर वगैरह सब कुछ, एंड भाई ऑटोमेटिक
जो कनेक्टिविटी आती है एप्पल एंड जो अपनी एंड्रॉयड वाली कनेक्टिविटी आती है वो दोनों यही सपोर्ट करता है ब्लूटूथ वगैरह के साथ में, एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस वगैरह आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ओवरऑल कुछ इस टाइप से अपना जो है अपना ट्रांसमिशन वगैरह दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्किंग एंड रिवर्स न्यूटन एंड जो अपना ड्राइव प्लस जो अपना एम मोड है उसका सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है। नीचे की तरफ अपनों को जो यूएसबी कंट्रोल्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए केबल जो अपना ए टाइप यूएसबी आती है वो मिल जाएगी। एंड इस तरफ आपको जो अपने एसी के कंट्रोल्स वगैरह काफ़ी शानदार से देखने मिल जाएंगे। यहाँ से आप जो अपने पावर वगैरह कम ज़्यादा है यहाँ से अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ भी काफ़ी सारे बटन्स वगैरह मिल जाएंगे एसी के रिलेटेड, फ्रंट रियर वगैरह के लिए ऑफ ऑन के, एंड ऑटो का भी यहाँ पे आपको बटन मिलता है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सा स्पेस देखने में मिल जाएगा जो कि काफ़ी मेजर सा यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है कप होल्डर वगैरह के लिए, एंड जो है अपना मैनुअल हैंड ब्रेक भी यहाँ पर दिया गया है। ऊपर के एरिया की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको जो है अपना टिकट होल्डर मिलता है, एंड इस तरफ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर वगैरह दिया गया है। तो यहाँ से आप लाइटिंग वगैरह भी जो है ऑन करके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से अपना जो मेन चीज अब आती है सनरूफ, तो उसके भी मजे आप इस गाड़ी में ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी शानदार सी यहाँ पे आपको बढ़िया सी सनरूफ वगैरह दी गई है जो कि खोलने के बाद केबिन काफी ज्यादा चमक रहा है और काफी बढ़िया सा लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले सनरूफ को एक बार ऑफ करते हैं, एंड भाई लाइटिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैनुअली आपको जो है अपना ये गार्ड आगे करना पड़ता है। तो ये तो था अपना कुछ केबिन का व्यू। वीडियो कमेंट करके जरूर लिखेगा नीचे की तरफ के अपना केबिन वगैरह आपको देखने में कैसा लग रहा है। मेरे को तो काफी शानदार सा केबिन इस गाड़ी का लग रहा है। अब एक बार इस गाड़ी का जो है अपना मीटर कंसोल ऑफ कर देते हैं यहाँ से, तो भाई चलते हैं पीछे की तरफ, पीछे क्या कुछ ओवरऑल आपको दिया गया है। और भाई काफी तेज बाहर की तरफ अपनी हवा चल रही है, ये देखिए आप एक बार और इसके मजे ले लीजिए। काफी शानदार सा मतलब अपने को केबिन वगैरह दिया गया है। अब बात करूं रियर की पीछे की रो की, तो भाई कुछ इस टाइप से अपना पीछे की रो भी आपको जो है अपना सॉफ्ट फिनिशिंग वगैरह वाटर होल्डर वगैरह आपको मिल जाएंगे, स्पीकर्स वगैरह एंड पावर विंडो का ऑप्शन वगैरह मिल जाएंगे। पीछे की सीट्स भी अपने को कुछ इस टाइप से मिलती, काफी सही से यहाँ पे आपको अंडर थाई सपोर्ट वगैरह एंड हेडरेस्ट वगैरह यहाँ पे आपको मिलता है। अंदर की तरफ चलते हैं तो कुछ काफी मैं देख रहा हूँ भाई काफी बढ़िया जो कम्फर्ट वगैरह यहाँ पे आपको दिया गया है। लेगरूम वगैरह भी काफी सही है, रियर एसी वेंट्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, एंड भाई चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी यहाँ पे आपको दिया गया है जो कि काफी सही सा एक फ्यूचर लगता है भाई। कई गाड़ियों में मिलता नहीं है लेकिन मिलना चाहिए। तो भाई चार्जिंग एक ऐसी चीज है जो आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप वगैरह को चार्जिंग करने के काम में आती है। और जो अपना क्वार्टर ग्लास है भाई ये भी काफी सही सा देखने में लग रहा है। ओवरऑल पीछे का व्यू भी काफी बढ़िया मिलता है। एंड भाई एक बात आप जरूर कमेंट करके लिखेगा, जो अपनी जो आगे की लाइटिंग तो चलो सही है लेकिन जो अपने पीछे की लाइटिंग वो ज्यादा पीछे की तरफ नहीं देती का भाई? भाई ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरी पीछे दे दी भाई, यहाँ पर भी दे सकते थे लेकिन हो सकता है यहाँ पर जो अपनी सनरूफ है उसकी वजह से ना दी गई, लेकिन पीछे बहुत ज्यादा पीछे की तरफ दी गई है। यहाँ पर आपको जो है अपना आर्मरेस्ट वगैरह मिल जाएगा कप होल्डर के साथ में जो कि काफी बढ़िया एक आपको फ्यूचर देखने में लगेगा। जो अपनी सीट्स वगैरह यहाँ पर भी आपको क्लिपिंग वगैरह के ऑप्शंस वगैरह दिए गए, पूरी सीट्स पन्नी में अभी पैक हो रही है तो आप देख लीजिएगा। एंड ओवरऑल काफ़ी सही सी मतलब मेरे को गाड़ी वगैरह देखने में लगी। प्राइसिंग वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, एंड इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया बढ़िया रील्स एंड फोटोज़ वगैरह इस गाड़ी के आपको देखने में मिल जाएंगे। तो ये था अपना ओवरऑल पूरा वीडियो। अब एक बार बात करते हैं अपनी इंजन एरिया की। एंड भाई अगर बात करूँ इस गाड़ी के इंजन की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 1.5 लीटर का इंजन जो कि 4 सिलेंडर आता है। एंड अगर पावर की बात करता हूँ तो 103 BHP एंड 138 Nm ऑफ टॉर्क ये आपको निकाल के देता है। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस वाइज इंजन आपको मिलता है। एंड भाई इसी के साथ समाप्त करते हैं अपनी वीडियो को। जब तक के लिए मिलते हैं साथ जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो।